हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं अपना स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने बाल को बहुत अच्छे से वुडन कोम से कोम कर लूँगी। ये कोम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे बालों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बट फिर भी मुझे अभी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद मैं अपने फेवरेट ऑयल से अपने बाल को थोड़ा थोड़ा चंपी करूँगी, जिससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉइस्चर हो जाए। और मैं इसे एक दो घंटे करके छोड़ देती हूँ, जिससे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे क्लेचर से इसे सपोर्ट करके बन बना लिया है। अब मैं यहाँ अपने स्किन केयर के लिए ले रही हूँ एक छोटे से बाउल में 1 टेबल स्पून बेसन। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर डाला है इसमें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और एक क्विक फेस मास्क मैंने यहाँ पर बनाया है। अब मैं इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी और ये जो है मैं वीक में 1 से 2 बार अभी करना कंटिन्यू किया है मैंने, और इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। मैं इसे थोड़ा थोड़ा अपने नेक में भी अप्लाई करूँगी। अगर आप भी डेली बेसिस में कोई हेयर मास्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस मास्क को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। एंड यहाँ पर मेरा मास्क लग चुका है, मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और अभी मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिया है वाटर से, और अब बारी है बाल की। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, अभी मुझे इस मौसम में हेयर फॉल और डैंड्रफ दोनों की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ली बॉर्वन का डेली नरिशिंग आर्निका एंड जैबरंडी शैम्पू। एंड ये शैम्पू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, विथ नेचुरल रेड ऑनियन सीड्स ऑयल फॉर एंटी डैंड्रफ हेयर फॉल कंट्रोल एंड हेयर ग्रोथ, सुटेबल फॉर मैन एंड वुमेन। एंड ये शैम्पू जो है ये पैराबिन फ्री शैम्पू है। एंड इसकी ये पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अभी मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने स्काल्प में, क्योंकि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो रही है। और अभी मैं इसे पूरे अपने हेयर्स में अप्लाई करके एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा वॉश लेने वाली हूँ। इस शैम्पू का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब आप देख सकते हैं मैं अपने हेयर्स को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सीरम अप्लाई कर रही हूँ अपने हेयर में। आप अपने पसंद का कोई सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट भी कर लिया जाए, तो अभी मैं भी मैंने ब्रेकफास्ट में एप्पल लेना स्टार्ट किया है। तो अभी मैं एप्पल कट कर लेती हूँ और एप्पल ले लेती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी स्किन केयर और मेरे हेयर केयर के बारे में। और प्लीज़ एक बार ज़रूर शैम्पू को ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।